गंदा को रख के आई है, तो मैंने डस्टबिन में डाला था। चलो कोई बात नहीं, कल देखती हूँ। आप ये दो दिन से कूड़ा कौन डाल जाता है, मम्मी को बुला के मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी शायद मम्मी को पता होएगा, मम्मी रखी होगी, मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी 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 है ना, ये कूड़ा किन रखा था? पता नहीं, कूड़ा तो सुबह यहाँ नहीं था, डस्टबिन में पड़ा था। कल भी था, आज भी है। उसका कोई आके रख जाता होगा। काम करते हैं ना, कल सुबह जल्दी उठ के देखते हैं, ठीक? अभी तो नहीं था, नित्य नियम था, जब हम करने बैठे तब नहीं था, उसके बाद आ गया। जब हम आरती करते हैं परमात्मा की, तभी कोई आके रख जाता है। अब हम कल आके देखते हैं, ठीक? उठ जाओ। अब चल के जल्दी से देखती हूँ किसने कूड़ा रखा है। भाई इसके पास किसने मुझे लाके, मुझे सब्जी नहीं, वरना मैं तुम्हें दे देता। ये पता नहीं पागल है क्या, मैं मम्मी को बुलाती हूँ इस बार। मम्मी को बुला के पूछती हूँ। मम्मी 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 जल्दी सो के उठ गई, कूड़ा मैं ही ला के रखती हूँ ताकि तू सुबह जल्दी से उठ जाए। तू उठती नहीं थी ना सुबह, ताकि जल्दी से सुबह उठ के आरती कर ले परमात्मा की, ठीक है? ऐसे रोज जल्दी से सुबह उठ जाएगा, परमात्मा की आरती कर लिया। मम्मी अब से मैं रोज जल्दी उठूंगी, परमात्मा की आरती करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमें रोज परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, ठीक? और हमारा जीवन सुखी रहेगा। बंदी छोड़ गुरु रामबाई महाराज की जय हो।